आज इन प्रवासी भारतीयों को, मजदूर जो हैं बेचारे मजदूर हैं भाइयों को आज रवाना कर रहे हैं विद्यालय से। 3 बस आ चुकी है, 80 लोग आज निकल जाएंगे, बाकी यहाँ रहेंगे। अब देखेंगे लाइन से इनको निकाल के लाइन्स वाइज बैठा जा रहा है। प्रोसेस बड़ा ही जटिल है, जैसा हम लोग सोचते थे वैसा है नहीं। समझ में आया कि गवर्नमेंट काम तो कर रही है, हर आदमी की अल्फाबेटिकल लिस्ट बनाना, उनका नाम, पिताजी का नाम, उन सबका टिकट बुक कराना। हम लोग जब घर में 4 लोगों का टिकट बुक कराते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो माइग्रेशन बच्चों का टिकट बनवाते हैं ना, 20-30 बच्चों का, तो भैया दो, एक तो LDC और एक टीचर 2 दिन तो बैठ के काम करता है और 2 दिन का TADA लेता है। और यहाँ पर देखो आप, 200 बच्चों की सबका नाम लिखना, टिकट करवाना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उनको बस में बैठाना, रेलवे स्टेशन तक पहुँचाना, रेलवे में जाकर काउंटर से टिकट लेना, और उसके बाद उनको पैकेट उनके बनाना, पानी की बोतल देना। हरक्यूलस टास्क, ये बहुत बड़ा एक मिशन है। इस मिशन को अगर आप कवरेज किया जाए तो ये मुझे लगता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मिशन माना जाएगा। ये इतने सारे मजदूरों को अपने अपने जगह पे पहुंचाना, उनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट तैयार की जाती है, कौन से कहाँ डिस्ट्रिक्ट का है, फिर उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में किया जाता है, कहाँ उनको उतारना है, कौन सी जगह पर ट्रेन का ठहरा होगा, वहाँ से फिर कैसे जाएंगे आगे। अभी यहाँ से सारे जो बिहार के मजदूर हैं सब मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से फिर उनको अलग अलग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुँचाया जाएगा। आसान काम नहीं है ये मैनेज करना, जो लग रहा है इतना ईजी, इतना आसान है नहीं। जो हम सोचते हैं ना कि बस पकड़ाओ बैठा और पहुँचा दो, नो, ये सब नहीं है, ऐसा होता नहीं है। केवल बस बुलाया बस, बहुत बड़ी टास्क है। इन सबका डाटा भी मेंटेन करना, ये कहाँ जाएंगे, इनको फिर वहाँ पर क्वारंटाइन करना, इनका रिकॉर्ड रखना, कहाँ रह रहे हैं, कौन से घर में रह रहे हैं, इस तरह से एक कोई बहुत ही काम। और ये सब कर रहे हैं, सब राज्य के कर्मचारी जो लगे हुए हैं ये बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी जो पंचायत समिति है, जो अपना पंचायती राज सिस्टम है, इस तरह से सिस्टमेटिक काम कर सकता है। सैल्यूट टू देम, वेरी गुड वर्क, धन्यवाद।